सिख धर्म संस्थापक संत नानक देव का जन्मदिन हर साल कार्तिक पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस बार यह पर्व 4 नवंबर को मनाया जा रहा है। इनके जन्मदिन को प्रकाश पर्व के रूप में मनाया जाता है। इसका कारण यह है कि उन्होंने समाज को आगे बढ़ने के लिए प्रकाश दिखाने का काम किया। गुरु नानक देव ने अपने जीवन काल में अरब देशों की यात्रा की थी, जहाँ पर उन्होंने कई संदेश दिए थे। गुरु नानक देव जी ने अपने जीवन काल में कई जगह की यात्राएं की। एक बार नानक देव जी मक्का नगर में पहुंच गए, उनके साथ कुछ मुस्लिम भी थे। काबा जैसे दुनिया भर के मुसलमान खुदा का घर मानते हैं। हर मुसलमान यही दुआ करता है कि उसकी ज़िंदगी में काबा के दर्शन हो जाए। जब वह मक्का पहुंचे तो सूरज अस्त हो रहा था, सभी यात्री काफ़ी थक चुके थे। मक्का में मुसलमानों का प्रसिद्ध पूज्य स्थान काबा है। गुरुजी रात के समय थकान होने पर काबा की तरफ पैर रखकर सो गए। एक व्यक्ति ने आकर नानक देव को जगाया और कहा कि इधर पैर करके ना सोए, इस तरफ पवित्र काबा है। नानक देव उस व्यक्ति की बात सुनकर कुछ पल चुप रहे, फिर सहज भाव से जवाब दिया, ऐसी दिशा या जगह बता दो जहाँ खुदा ना हो। नानक देव ने उस व्यक्ति को समझाया कि ईश्वर तो हर दिशा में है और हर समय हमें देखता रहता है, इसलिए जो भी करो ईमानदारी से करो, क्योंकि ईश्वर तो हमें हर पल देख रहा होता है, उससे कुछ भी छुपा नहीं है। SPN न्यूज रूम की रिपोर्ट।